मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एकदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि वो, तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू ही उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह दिन प्रतिदिन जंगल से लकड़ियों काट कर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते, उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहाँ नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न आकर कहा, बेटी जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहाँ पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना सारा सोना मिल गया। उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करा ही रही थी, तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहन भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने माता पिता से पूछने लगी, पिताजी आपकी ऐसी हालत कैसी हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छीन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने माता पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था, अब मुझे भी विश्वास हो गया, हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वो किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है, सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। जो कुछ होना है, वह सब पहले से निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिखा है। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है, उसे देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर कीजिए। इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।